नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों के पेट में ये सलवटें डलती हैं जिसे हम लोग फैट बोलते हैं, तो अगर आप लोगों को बॉडी फैट है, साइड का फैट है या बेली फैट है, तो आज हम लोग आप लोगों को कुछ ऐसे वर्कआउट्स बताएंगे जिससे आप लोग जो हैं इस बेली फैट को बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं। ये HIIT वर्कआउट्स हैं और ये सभी वर्कआउट्स जो हैं 15 डेज के लिए आप लोगों को करने हैं, और ये वर्कआउट जो हैं आप लोगों को बहुत जल्दी जो है बेली फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प करेंगे। तो अगर आप लोगों को फैट कम करना है तो तैयार हो जाइए सुबह के लिए। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज हमेशा ही आप लोगों को कुछ ऐसे वर्कआउट्स बताती है जिससे आप लोगों का फैट जल्दी से जल्दी रिड्यूस हो। हर नए वर्कआउट्स जो हैं आप लोगों को अपनी बॉडी को टोन बनाने में हेल्प करते हैं, और कितने वर्कआउट्स कितने सेकंड्स के लिए करने चाहिए ये अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों को बताती है। कौन कौन सी टारगेट मसल्स इनमें आप लोगों की फ़ायदेमंद आप लोगों को होता है, तो उसके लिए आप लोग अपनी योगा मैट को हाथ में लीजिए और तैयार हो जाइए उसे बिछाने के लिए और उस पर एक्सरसाइज करने के लिए। तो चलिए प्रिपेयर कर लीजिए और उसे आप लोग जो हैं ओपन कर लीजिए, योगा या एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज के लिए इसको हम लोग बोलते हैं लंजेस, और ये रिवर्स लंजेस है। ये आप लोगों को कितने सेकंड्स के लिए करना है, 40 सेकंड्स के लिए करना है। अगर आप लोग देखें तो दोनों हाथ जो हैं वो चेस्ट के आगे जो हैं वो आपस में टाई अप हैं, और आप लोग जो हैं पीछे जो है आप लोगों को एक कदम आगे बढ़ाना है। तो जो आप लोगों का लेफ्ट पैर है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो उसका घुटना मुड़कर आप लोग जो है एक 90 डिग्री के साथ एंगल बना लेते हैं पैर के साथ, जो उल्टा पैर आप लोगों का, और जो सीधा पैर है उसका आप लोग पीछे की ओर धकेलते हैं, और उसका जो पंजा है आगे वाला हिस्सा वो सरफेस पर रहता है, तो आप लोगों का घुटना भी जमीन से सरफेस से आप लोगों का टच हो जाता है। तो ये लंजेस कहलाता है। इससे आप लोगों की बॉडी टोन होने में आप लोगों को मदद मिलती है, खासकर ग्लूट्स, हेमस्ट्रिंग और आप लोगों का पेल्विक पोर्शन, यानी कि आप लोगों का लोअर बेली फैट। तो अब डांस करने का टाइम नहीं है, दोबारा से आप लोग रेस्टिंग टाइम खत्म होने के बाद में दूसरी एक्सरसाइज पर आ जाइए, जिसे हम लोग हाफ ब्रिज एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक सोफ़ा आप लोगों को इस्तेमाल में लेना है, और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, क्रंचेस करने हैं, ठीक है, या हम लोग कहें कि ब्रिजेस एक्सरसाइज करनी है। तो ये आप लोगों को कितने सेकंड्स के लिए करनी है, 40 सेकंड्स के लिए करनी है। इन बिटवीन अगर आप लोग आराम करना चाहें तो बिटवीन बीच में आप लोग आराम भी कर सकते हैं। तो ये दो एक्सरसाइज का कम्बिनेशन है, क्रंचेस और ब्रिजेस का, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी 40 सेकंड्स के लिए करने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिजेस से, आप लोगों का पेल्विक पोर्शन जो है वो उस पर ब्लड फ्लो अधिक होता है, तो आप लोगों को बैली को जल्दी रिड्यूस करने में या पाचन शक्ति बढ़ाने में आप लोगों को मदद मिल जाती है। तो इसमें आप लोगों का बैली फैट जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की पाचन शक्ति अगर इम्प्रूव होती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो तीसरी एक्सरसाइज है आप लोगों का, यही एक्सरसाइज है, ब्रिजेस है, लेकिन आप लोगों को इसमें क्या करना है, अपने हाथ में कुछ वेट लेना है और उसको आप लोगों के पेल्विक पोर्शन से ऊपर की ओर उठाना है। तो अगर जिनको किसी प्रकार की पेन की समस्या है, यानी कि बैक पेन है वगैरह वगैरह है, तो फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। ये तीसरी एक्सरसाइज भी करनी जो है वो आसान है, एक कमर पे या हम लोग कहें शोल्डर साइड पे आप लोगों को एक सपोर्ट लेना है और ऊपर की ओर उठाना है अपने आप को, अपने हिप्स को ऊपर की ओर जो है पुल करना है कुछ हाथ में आप लोगों को वेट लेकर। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों की कंप्लीट होती है थर्ड एक्सरसाइज। नंबर फोर्थ एक्सरसाइज पे आने से पहले थोड़ा सा 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट मिल जाता है, और नंबर फोर्थ एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं बॉल ब्रिजेस की ओर। ये ब्रिजेस जो एक्सरसाइज होती हैं वो एक्चुअली में आप लोगों के पेल्विक पोर्शन पर ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे क्या होता है पाचन शक्ति इंप्रूव होने लगती है, डाइजेशन इंप्रूव होने लगता है, तो आप लोगों का जो खाया हुआ होता है वो जल्दी पचने लगता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है बहुत कुछ खाते हैं फिर भी उनको जो है वो मोटे नहीं होते हैं या उन पर फैट नहीं जमता, तो उसका मतलब होता है उनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, इसीलिए वो उन पर फैट नहीं जमता है। तो अगर आप लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, डाइजेशन जो है वो स्लो हो चुका है, तो ये ब्रिजेस एक्सरसाइज करने से आप लोगों का पेल्विक पोर्शन का जो है वो डाइजेशन इम्प्रूव होगा और साथ ही ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं 40 सेकंड्स के लिए। तो चार जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, हर एक्सरसाइज के बीच में मैंने गैप दिया है, 10 सेकंड का रेस्ट दिया है, तो इसमें आप लोग आराम कर सकते हैं। नंबर पांचवी एक्सरसाइज है, थोड़ा बहुत कार्डियो कर लेना चाहिए, तो इसमें आप लोगों के पास बर्पी एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को कैसे करनी है,
सीधा खड़ा हो जाइए, उसके बाद में स्क्वाट पोजीशन लीजिए, उसके बाद में आप लोगों को अपने पैर जो है पीछे की ओर धकेलते हुए जो है हाई प्लैंक पोजीशन लेनी है, उसके बाद में दोबारा से पैर को अपने पास लेकर आना है, यानी कि जो अपने हाथ हैं उसके पास लेकर आना है, यानी कि स्क्वाट पोजीशन लेनी है और फिर खड़े हो जाना है। तो ये पूरी बर्पी एक्सरसाइज के एक स्टेप है जिसे आप लोगों को रिपीट करनी है और 40 सेकंड के लिए ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को करनी है। 40 सेकंड अगर आप लोग कर लेंगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता लगने लग जाएगा कि हाँ एक्सरसाइज से कितना असर जो है आप लोगों की बॉडी पर होने वाला है, आप लोगों की बॉडी कितनी टोन होने वाली है। तो अब आप लोगों के पास फिर से रेस्ट आ जाता है। तो 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग 6ठी एक्सरसाइज की ओर चलेंगे और ये आप लोगों को पता है स्क्वाट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम आप लोगों को ये भी पता है कि स्क्वाट पोजीशन करने से आप लोगों के ग्लूट्स अच्छे रहते हैं, आप लोगों की बैली भी अच्छी रहती है, आप लोगों की हेमिस्ट्रिंग मसल्स भी अच्छी रहती हैं। तो स्क्वाट पोजीशन हम लोगों को स्कूलिंग में भी करवाते थे, ऊपर जस्ट अप एंड डाउन होना है, लेकिन आप लोगों के जो घुटने हैं वो आप लोगों को जो है मजबूत करने होंगे, क्योंकि बिना किसी फिजियोथेरेपिस्ट के अगर आप लोग स्क्वाट भी करते हैं तो भी आप लोगों को पेन हो सकता है कि अगर आप लोगों को पहले से घुटने में इंजरी हो तो। प्लीज़ एक्सरसाइज भी जो है वो डेंजरस हो सकती है अगर आप लोग उसकी लिमिट क्रॉस करते हैं तो। ठीक है, तो ये 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके बाद में आप लोग जो है रेस्ट कीजिए और 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट मिल जाता है। उसके बाद में एक नई 7वीं एक्सरसाइज है आप लोगों की बॉल ब्रिजेस। बॉल ब्रिजेस में आप लोगों को क्या करना है, अपने चेस्ट का जो बैक हिस्सा होता है उसको, यानी कि हम लोग बोल देंगे शोल्डर्स को, आप लोगों को शोल्डर्स को बॉल पर रखने हैं और आप लोगों के पैर जो है वो सरफेस पर रहने चाहिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। अब अपने हिप्स को ऊपर की ओर धकेलना है और स्क्वीज करना अंदर की ओर ताकि पेल्विक पोर्शन पर ब्लड फ्लो हो। ये बेसिकली बैली का फैट जो है वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के साइंटिफिक रीजंस जो हैं वो ये हैं कि अगर डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली फैट जो है वो डाइजेस्ट होने लगता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होने लगता है कार्बोहाइड्रेट में। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की मदद करेगी और रेस्टिंग टाइम आ चुका है 10 सेकंड का, 10 सेकंड में आप लोग आराम कर लीजिए। उसके बाद में हम लोग चलते हैं 8वीं एक्सरसाइज की ओर। 8वीं एक्सरसाइज है आप लोगों के पास ब्रिजेस, और इसमें कोई भी अदर इक्विपमेंट्स आप लोगों के पास नहीं है, जैसे बॉल नहीं है या आप लोगों के पास रॉड नहीं है, तो सिंपल आप लोगों को लेंग डाउन होना है एक सरफेस पर या अपनी योगा मैट के ऊपर या आप ग्रास में भी आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और दोनों हाथ जो है सरफेस पर रहने चाहिए। अब अपने हिप्स को ऊपर की ओर पुल करना है और इससे क्या होगा, आप लोग जो है देखिएगा कि पूरा जो वेट है वो आप लोगों के कंधों की ओर आ जाएगा। तो ये क्या है, पेल्विक पोर्शन पर ब्लड फ्लो होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी। तो इससे क्या होगा, अगर आप लोगों का डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है तो थर्मिक इफेक्ट भी आप लोगों का ज़्यादा होने लग जाएगा, तो आप लोगों की चर्बी जो है एक्स्ट्रा बॉडी फैट जो है वो बर्न आउट होने लग जाएगा। अब दोबारा से आप लोगों के पास आ जाता है 10 सेकंड का रेस्ट और रेस्ट के बाद हम लोग चलते हैं 9वीं एक्सरसाइज की ओर। ये है माउंटेन क्लाइंबर, थोड़ा बहुत कार्डियो जरूर कर लेना चाहिए एक्सरसाइज के बीच में, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज जो है वो इनफ होती हैं, लेकिन कार्डियो भी इनफ नहीं होना चाहिए कि आप लोग कार्डियो ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 40 सेकंड्स का आप लोगों को कार्डियो मिलता है तो 40 सेकंड्स आप लोग ज़रूर दें कार्डियो को, इसमें आप लोग माउंटेन क्लाइंबर कर लें ताकि आप लोगों की बैली जो है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाए। तो माउंटेन क्लाइंबर बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है जिससे आप लोग जो हैं अपने बैली को, लोअर बैली फैट को बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं, खासकर उनका जो कि नाभि के नीचे वाला जो पेट होता है वो लटक चुका होता है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो माउंटेन क्लाइंबर से आप लोगों का दूर हो सकता है। तो एक्सरसाइज करना ना छोड़िए क्योंकि ये आप लोगों के लिए हेल्दी है और बहुत जल्दी फैट को रिड्यूस करने की एक्सरसाइज भी अच्छी है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 10वीं एक्सरसाइज की ओर। उससे पहले हम लोग ले लेते हैं 10 सेकंड का रेस्ट और 10वीं एक्सरसाइज है आप लोगों के पास लैटरल लंजेस। लैटरल लंजेस में भी आप लोग जो है क्या करें, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने जोड़ लीजिए, उसके बाद में जस्ट आप लोगों को दाएं और बाएं जो है एकदम स्ट्रेट पोजिशन में आप लोगों को नीचे की साइड में झुकना होता है और साइड में आप लोगों को एक पैर आप लोगों का सीधा रहेगा तो दूसरा आप लोगों का घुटना मुड़ा रहेगा। लेकिन इस एक्सरसाइज से आप लोगों का ये फ़ायदा होगा कि जो ग्लूट्स हैं आप लोगों के वो जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हेमिस्ट्रिंग मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं। तो अगर आप लोगों की लोअर बैली फैट आप लोगों को रिड्यूस करना है तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों की बहुत अधिक जल्दी मदद कर सकती है। तो हेल्प कीजिए अपनी बॉडी को और उसे थोड़ा बहुत ताकतवर बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए कुछ एक्सरसाइज करके। अब रेस्टिंग टाइम आ चुका है, सेल्फी वगैरह ले लीजिए क्योंकि आप लोगों की बॉडी जो है वो जल्दी टोन्ड होने वाली है, स्लिम फिट होने वाली है, स्लिम होने वाली है और एक्सरसाइज तो इसीलिए कर की जाती है ताकि बॉडी स्लिम रहे।
ग्यारहवीं एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और ये है आप लोगों के पास नी टू क्रंचेस या हम लोग कहें नी टू चेस्ट रीचेस। और इसमें आप लोगों के दोनों हाथ जो हैं सरफेस पर रहेंगे, आप लोगों को एक वी शेप बनानी है और उसके बाद में आप लोगों के पैर हवा में रहेंगे, दोनों पैर जो है एक दूसरे से चिपके रहेंगे। अब अपनी घुटने को मोड़ते हुए आप लोगों को चेस्ट के पास लेकर आना है या हम लोग कहें चेस्ट को घुटनों के पास लेकर आना है, तो इससे आप लोगों को एक वी शेप जो है वो बनानी है। तो इससे आप लोग जो हैं बहुत जल्दी अपनी बॉडी फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों को मदद मिलेगी और साथ ही आप लोग जो हैं बहुत जल्दी भी बॉडी फैट रिड्यूस कर लेंगे और साथ ही आप लोगों की रेक्टस एब्डोमिन भी इससे बहुत ज़्यादा इंगेज रहने वाली है। अब फिर से रेस्टिंग टाइम आ चुका है, जी भरकर सांस जो है वो तेज़ लीजिए और अपनी बॉडी को हील कीजिए ताकि इसे आराम मिल सके, आराम से हील होगी। नंबर 12 एक्सरसाइज की ओर चलते हैं आप लोगों के पास और ये है आप लोगों की दोबारा बॉल ब्रिजेस एक्सरसाइज। बॉल ब्रिजेस मैंने इसलिए आप लोगों के फोकस डाला है ताकि आप लोग जो है ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों के लोअर बेली फैट पर डाइजेशन इंप्रूव हो सके आप लोगों का। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की ये मदद कर सकती है आप लोगों के डाइजेशन को इंप्रूव करने में और आप लोगों की चर्बी को रिड्यूस करने में। ये 12 एक्सरसाइज अगर आप लोग कर लेते हैं सुबह उठकर तो आप लोगों को ज़रूर इम्पैक्ट जो है वो आप लोगों को महसूस होगा। और मैं ये कहता हूँ कि 40 सेकंड्स आप लोगों के काउंटर ऊपर जला हुआ है, आप लोग ज़रूर इस्तेमाल में लीजिए इस चीज़ का। और अगर आप लोग बीच में थकते हैं तो आराम कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, वीडियो को स्टॉप कीजिए, दोबारा से रन कीजिए। ऐसा फिगर अगर आप लोगों को बनाना है तो अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ का साथ दीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोगों को स्पेसिफिक किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत हो। धन्यवाद।